कहते अपने आप को गुरु के सिख हैं, ना इनका कोई कबीला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं पंजाबी सिनेमा की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म मस्ताने के बारे में, जिसने की अपने शुरुआती दो ही हफ्तों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से काफी अच्छी कमाई करते हुए एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। लेकिन तीसरे हफ्ते भी ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही और काफी अच्छे होल्ड बनाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती 18 ही दिनों में ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 70 करोड़ 60 लाख की कमाई कर चुकी है। और आज अपने 19वें दिन भी ये फिल्म वर्किंग डे होने के बावजूद एक बार फिर से लगभग 90 लाख की कमाई दुनिया भर से कर रही है। इसी के साथ पंजाबी फिल्म मस्ताने का शुरुआती 19 दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 71 करोड़ 50 लाख का हो जाएगा। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 30 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने वाली है ये फिल्म। तब तक ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में 85 करोड़ तक के भी आंकड़े को दुनिया भर से पार कर सकती है और पंजाबी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। और इसके साथ ही पंजाबी फिल्म मस्ताने ओवरसीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी पंजाबी फिल्म भी बन सकती है। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले कैरी ऑन जट्टा 3 एक ऐसी फिल्म है जिसने विदेशों से काफी अच्छी कमाई की थी और फिल्म मस्ताने भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। तो आप सभी को पंजाबी फिल्म मस्ताने कैसी लगी, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।